Hello and welcome to the series Counselling Baki Hai. I am Aditya Yadav and I am watching the Social Indian. And in this video, we will be talking about the breaking news, the heating news, जो आज तापमान को गर्म कर रही है इस बारिश के मौसम में भी, वो है ये कि दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB Entrance 2019 का रिजल्ट है, वो आउट कर दिया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा. और साथ ही साथ बड़ी बात ये भी है कि एक PDF हमारे पास है जिसमें आपका रिजल्ट है, आप सभी का रिजल्ट है, जिससे ये पता लगता है कि इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी LLB को देने के लिए 16,421 बच्चों ने अप्लाई किया था, एग्जाम में बैठे थे, और जिसने टॉप किया है, जिसकी पहली रैंक आई है, यानी कि हाईएस्ट मार्क्स 325 हैं, यानी 325 मार्क्स आउट ऑफ 388, क्योंकि तीन क्वेश्चंस को ऑब्जेक्शन ट्रैकर के टाइम पर हटा दिया गया था कंसीडरेशन से, तो आउट ऑफ 388 आपके मार्क्स आए हैं, और 388 में से 325 ने किया है टॉप. अब यहां पर हम आपसे इस वीडियो में तीन चीजों के ऊपर बात करेंगे. सबसे पहली जो होगी वो होगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दूसरी होगी यहां पर फर्स्ट लिस्ट कितने पर लगेगी, और तीसरी होगी काउंसलिंग. तो इन तीनों के बाद हम आपको देंगे इस वीडियो में एक मास्टर टिप जो आपको छोड़नी नहीं है इस एडमिशन के लिए, क्योंकि एडमिशन छूट जाए लेकिन ये मास्टर टिप नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि ये आपके पूरे जीवन में काम आने वाली है. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कट ऑफ लिस्ट की. तो हर बार अगर हम कट ऑफ देखें तो पहली लिस्ट जो लगती है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी. और पहली लिस्ट कब लगती है, जब आपका रिजल्ट आ गया है उसके 2-3 दिन में पहली लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसके अंदर आपको एडमिशन कराना होगा. जब हम आज यहां पर रिजल्ट देखते हैं और हम जब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाते थे, आप हमारी पिछली वीडियोस भी उठाकर देख लीजिए, तो हम आपको हर बार यही कहते थे कि हमारे हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी 210 मार्क्स. और जब आज पीडीएफ फॉर्म देखते हैं, जो पीडीएफ आया हुआ है आपके मार्क्स का, तो उसमें भी खुशी भी होती है और दुख भी होता है. क्योंकि खुशी इस बात से होती है कि हमारा जो अंदाजा था वो सही होता है, और गम इस बात का होता है कि कई लोग इससे नीचे जा रहे थे. साथ साथ मैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जिस जिसका एडमिशन यहां पर कंफर्म होता हुआ दिख रहा है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा. और जिनका एडमिशन यहां पर आपको कम आशाएं लग रही हैं, लेकिन आशाएं हैं, तो आप चिंता मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए, वरीज छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए. लिस्ट आएंगी, उससे आपको पता लगेगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है. क्या पता एग्जाम की तरह यहां पर भी कुछ अनएक्सपेक्टेड फैक्टर आ जाए, एक्स फैक्टर आ जाए, तो उसकी चिंता आप मत कीजिए, टेंशन मत लीजिए. यहां पर हम एनालाइज करेंगे इस कट ऑफ को, इस रिजल्ट को, कि कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है. जब हम लिस्ट खोल के बैठते हैं, साथ साथ इसमें 2-3 चीजों से हम देखेंगे कि लिस्ट पे क्या हो सकता है और यहां पर आपके क्या असर पड़ सकता है. तो जब हम देखते हैं पहली कट ऑफ लिस्ट 2018 की, 2018 में कैसी आई थी, तो वहां पर 992 रैंक. यहां पर आपके पास कई ऑप्शन होंगे, आपने देखा होगा, पहले होगा सीरियल नंबर, फिर आएगा रोल नंबर, फिर आएगा कैंडिडेट नेम, फिर आएगा जेंडर, फिर आएगी कैटेगरी, फिर आप PWD है कि नहीं है, फिर आता है आपके टोटल मार्क्स जो है 388, फिर आता है आपके ऑब्टेंड मार्क्स वाला कॉलम जिसमें आपके मार्क्स कितने हैं वो दिया गया है, उसके बाद दिया जाता है आपकी रैंक. अब यहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, मिसइंटरप्रेट करते हैं रैंक से यहां पर कोई मतलब नहीं है. रैंक का यहां पर मतलब ये है कि आप कितने नंबर पर स्टैंड कर रहे हैं. लेकिन जब एक ही नंबर पर 40-40, 50-50 बच्चे बैठे हैं, तो उसे आप रैंक नहीं कह सकते एग्जैक्टली, बस एक एग्रीगेट कह सकते हैं कि आप इतने बच्चों में इतने नंबर पर आ रहे हैं. लेकिन अगर आप अपनी सच्चाई देखना चाहते हैं, गहराई देखना चाहते हैं, तो सीरियल नंबर को देखिए. सीरियल नंबर जो कहता है वही सत्य है, उससे अलावा कुछ सत्य नहीं है. सीरियल नंबर को देखिए, वो आपकी रैंक है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि वो अरेंज्ड होती है उसी मार्क्स के अकॉर्डिंग और मार्क्स के बाद आपकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग. तो वो आपकी रैंक है, उसी को आप रैंक मानिए. अब यहां पर जब हम रैंक शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप सीरियल नंबर को रैंक मानेंगे और रैंक को सीरियल नंबर नहीं मानेंगे. सीरियल नंबर को रैंक मानिए. तो पिछली बार 992 सीरियल नंबर तक पहली कट ऑफ में लिस्ट गई थी जनरल की. अब ये हम बात करें ओबीसी के लिए, तो वो गया था 3102, यानी 3102 तक जो भी ओबीसी थे वो पिछले साल एडमिशन ले रहे थे पहली लिस्ट में. अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर 5673 यानी 5673 मार्क्स जिसके थे वो भी एडमिशन ले रहा था पहली लिस्ट में. उसके बाद एसटी की बात करें तो 9615, पीडब्ल्यूडी और सीडब्ल्यू कैटेगरी के सभी बच्चों को पहली लिस्ट में ही मार्क्स मिल गया था. पिछले साल ये आंकड़े अलग थे, इस साल आंकड़े अलग हैं, मार्क्स अलग आएंगे, फ़र्क पड़ेगा, चीज़ें बदलेंगी, तो उस चीज़ से आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा. अगर आपकी इन
सीरियल नंबर में रैंक पड़ती है, तो उम्मीदें हैं कि पहली ही कट ऑफ में आपका नाम आ जाए, तो तैयार रहिएगा। उसके बाद जब हम दूसरी बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ जो देखते हैं सेकंड एडमिशन लिस्ट की, तो सेकंड एडमिशन लिस्ट गई थी 1464 पर, यानी अगर आपका 1464 के अंदर सीरियल नंबर है तो दूसरे कट ऑफ लिस्ट में आपके आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। मार्क्स यहाँ पर हम नहीं बता रहे हैं, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे कि मार्क्स के अकॉर्डिंग कितना क्या हो सकता है, कोशिश करेंगे कल 3 बजे तक आपको वो वीडियो दे दें। अब एस सी कैटेगरी के लिए वो था 6781, ओबीसी के लिए 3894, एसटी के लिए था 11271, और सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी के पहले ही लोगों का हो चुका है एग्जाम। अब जब कट ऑफ निकल जाती है, लिस्ट निकल जाती है, तो उसके बाद क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। काउंसलिंग होगी, 2-3 दिन में आपको शेड्यूल निकाल दिया जाएगा। जैसे ही पहली लिस्ट निकलती है आप तैयार रहिएगा, पहली लिस्ट निकलते ही आपको भागना है दिल्ली की ओर, दिल्ली विश्वविद्यालय में आना है, हम आपके साथ हैं। अकोमोडेशन आपको देखना हो, मटेरियल आपको चाहिए हो, हेल्प आपको चाहिए हो, हम आपको साथ रहेंगे। नंबर सेव कर लीजिएगा और कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स, आप कोशिश कर लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाएँ, कोई डॉक्यूमेंट में कमी रहे, कोई दिक्कत वाली बात ना रहे। तीसरी बात, काउंसलिंग के टाइम पर जो टाइम आपको नोटिफाई किया जाता है उसी टाइम के बीच में आएं, कैटेगरी वाइज टाइम अलॉट होगा तो कैटेगरी के टाइम पर ही आएं, ताकि आपके अलॉटमेंट में कोई भी दिक्कत ना आए और आपकी कट ऑफ ना छूटे। वहां पर 2-3 दिन का टाइम दिया जाएगा, एम्पल टाइम दिया जाता है, अगर नहीं एडमिशन इतने ज्यादा होते हैं तो 1 दिन एक्स्ट्रा भी दिया जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आज जब जो नोटिफाइड टाइम है उसमें आप पहुंचें और अच्छे से आप एग्जाम दें। ये वीडियो ज्यादा लंबी ना करते हुए अगली वीडियो में हम जल्दी आपको मिलेंगे, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए कि हमारा एडमिशन हो गया है, हो जाएगा, और अब हो जाइए कॉन्फिडेंट क्योंकि लक्ष्य आपने पा लिया है, दिल्ली विश्वविद्यालय नजदीक आ लिया है। इसी वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, ज्यादा समय न लेते हुए। भारत माता की जय, जय हिंद।